आज कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं अपने क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैंने एक प्लेट ली है जो फ्लैट है, एक्रेलिक कलर है ये। अगर आप लोगों के पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप आपके पास अगर पोस्टर कलर्स हैं उसमें फेविकॉल यूज़ करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे हमारे पास कॉफ़ी है, कॉफ़ी में आप फेविकॉल डाल के और उसको बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कॉफ़ी के कारण हमको बेस कलर मिल जाएगा और फेविकॉल से स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। ब्राउन कलर है ये। इसको हमको अगर मान लीजिए डार्क करना है तो हम थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हैं तो भी ये डार्क हो जाएगा। पहले थोड़ा डार्क ही यूज़ करते हैं, इसके साथ हम थोड़ा फेविकॉल ले रहे हैं। ये फेविकॉल मिला के हमने ये कलर बनाया है और नाइफ़ लिया हुआ है। नाइफ़ को हमको बहुत शार्प नहीं यूज़ करना है, हमको ये वाला जो साइड होता है इसका यूज़ करना है। उससे पहले एक सिंपल सी ड्राइंग करते हैं। जस्ट लाइक ट्री फॉर्म करते हैं, वो भी इसलिए कि हमको ये वाले प्लेसमेंट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। हमको इस तरह का ट्री चाहिए, बट हमारा जो बैकग्राउंड होगा उसको हम बाद में देखते हैं, या हम स्प्रे भी कर सकते हैं बट उसको हम अभी बाद में देखेंगे। अभी हम नाइफ़ की हेल्प से कलर लिया, इसीलिए मैंने ये ट्रे को बैक साइड से यूज़ किया हुआ है। इसको हमने कलर लिया इस तरीके से, और जो हमको यूज़ करना है वो जो टेक्निक है उसमें हम जब आप यूज़ करेंगे तो उसको ब्रेक दे दे के करना है इस तरीके से। ब्रेक दे के ही यूज़ करना है, इसके लिए थोड़ा आपको स्पेस भी लगेगा। और जब आप ब्रेक देंगे तो आपका आएगा वो तभी सही जब उसमें प्रॉपर कलर होगा।
इसमें भी हम थोड़ा फेविकॉल ही मिक्स कर रहे हैं। इसको अभी हम इस तरीके से रख रहे हैं। इसको थोड़ा सा हमें थिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे सूखने का और जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं होगा तब तक हम कुछ दूसरा वर्क नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। मैंने दूसरी तरफ से येलो कलर लिया और ये जो ग्रीन कलर था इसी में मिक्स करके इसको लाइट बनाया है। ये देखिए लाइट कलर बनाया। और सेकंड शीट लेना स्टार्ट किया अपन ने और इसको हम वर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं। पहले वाली जो हॉरिजॉन्टल में बनाई थी इसको वर्टिकल में बनाएंगे। एक आउटलाइन कर लेते हैं। ये तीन लाइंस हमने निकाल ली हैं। यहाँ पर हमको लीफ बनाना है, ब्रांच बनाना है सॉरी। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग वही ईयरबड है उसी का यूज़ कर रहे हैं। कलर भी ग्रीन है, वही ग्रीन कलर है। और इसमें थोड़ा पानी मिक्स करके और ईयरबड से ही यूज़ कर रहे हैं। ये तीन लाइंस हैं, ये हमारी बेस लाइन हो जाएंगी कि इसके अकॉर्डिंग हमको अपना वर्क करना है। ईयरबड हमारा ब्रश का काम कर रहा है। ये हमारी ब्रांचेस तैयार हैं। डार्क कलर लिया और उसके साइड से किया तो ये देखिए हमारा शेड बन गया। इस तरह से हम शेड करना भी सीख जाएंगे।
ये देखिए दो शेड दिखने लगे हैं इसमें। अब ईयरबड की हेल्प से ही हम आगे का वर्क भी करेंगे। ऑरेंज कलर लिया, इसमें भी फेविकॉल हम मिक्स कर लेंगे। फेविकॉल करने से कलर में स्ट्रेंथ आ जाती है, कलर जल्दी ड्राई हो जाएगा और ईयरबड की जो टिप होगी उसका इम्प्रेशन भी अच्छा आता है, कलर में थोड़ी थिकनेस आ जाती है। ये फेविकॉल मिक्स करके ईयरबड से टिप रखना स्टार्ट कर दिया। इसमें और भी कोई डिज़ाइंस बन सकती हैं बट आप लोगों के अकॉर्डिंग अभी हम छोटी डिज़ाइन ही बना रहे हैं, सिंपल टिप्स रखते हुए जा रहे हैं। और इसकी तीन लाइन ले लेंगे, सेकंड लाइन थर्ड लाइन, एक छोड़कर एक मैं ऑरेंज किया, उसके बाद बाकी मैं राइट कर रहे हैं। रेड कलर में फेविकॉल मिक्स किया, अब ग्रीन कलर को लेकर और जो हमारी ब्रांचेज हैं उसमें टिप रख रहे हैं, जैसे अब अपने आप शेड्स आ जाएंगे, दिखने लगेंगे। अभी इसका जो बीच का स्पेस खाली दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सूख जाने के बाद में ईयरबड से फिर टेक्निक अप्लाई करेंगे। थोड़ा ड्राई हो गया है अभी ये स्पेस जो खाली दिख रहा था उसको फिलअप किया। तो छोटा फ्लावर बना देते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। फिर ड्राई होने का वेट करेंगे।
जो हमारे फ्लावर हैं इसके नीचे थोड़ी सी लीव्स लगा देते हैं, तो ये ग्रीन में थोड़ा ब्लैक टच करेंगे तो हमारा डार्क ग्रीन बन जाएगा। ये देखिए डार्क ग्रीन बन जाएगा, और इसको हम जहाँ हमारी लीफ और फ्लावर जुड़ रहे हैं वहाँ पर लीफ बनाएंगे, सॉरी ब्रांच और फ्लावर जुड़ रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से बनाएंगे, वी बनाते जाएंगे और अपने आप लीफ का शेप दिखने लगेगा। इस तरीके से ये हमारा इतना वर्क हो गया है, अब इसके ड्राई होने का फिर वेट करेंगे। जो ग्रीन कलर बना था उसमें पानी मिक्स करके, उसमें फेविकॉल चूंकि था उसके अंदर, इसे पानी मिक्स करके उसको वापस ठीक करेंगे। और ये हम थंब का इम्प्रेशन ले रहे हैं इस तरीके से, पहले एक ही कलर से लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स किया उसी में, थोड़ा ड्राई होने के बाद सेकंड वाली शीट में भी इसी तरीके से करेंगे। थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क, शेड देने के लिए थोड़ा ब्लैक का टच दिया। थोड़ा ड्राई होने के बाद ही सब वर्क करना है। अगर आप लोग गीले में करेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे कलर। इसका ड्राई होने का फिर वेट करेंगे। ये ड्राई हो गया है, इस पर अपन वर्क स्टार्ट करते हैं। इसको लीप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो स्केच पेन की हेल्प से हम ये कर रहे हैं, एक लाइन बना के और सिंपल वी बनाते जा रहे हैं, अपने आप लीप का टच आता जा रहा है। सर्कल में भी स्केच पेन यूज़ करते जा रहे हैं, तो देखिए जो हमारी लीफ ईयरबड का इम्प्रेशन है वो एकदम क्लियर होता जा रहा है। सेकंड शीट में भी हम इसी तरीके से करेंगे।
जिस तरह हमने पिछली शीट में किया था उसी तरह इसको भी लीफ को कन्वर्ट कर थंब इम्प्रेशन है उसको लीफ में कन्वर्ट किया। अब हमारी ये शीट्स बन गई हैं, बट अगर इनको प्रॉपर इनका प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए हम इसको सीज़र से कट कर रहे हैं अनइवन शेप में। और इस तरीके से ये कट कर दिया है। क्राफ्ट जो हमारी स्क्रैप बुक आती है उसके पेपर पर हम इसको एक स्टिक कर देंगे। इस तरीके से हम स्टिक करेंगे फेविकॉल की हेल्प से। जो हमारी सेकंड वाली शीट है उसका प्रेजेंटेशन भी हम ऐसे ही करेंगे। इस तरीके से हम इसको भी स्टिक कर रहे हैं। ये हमारी दोनों शीट बनके तैयार हो गई हैं।